हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं साइरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हेलो अस्सलाम सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज हम फिर से मलकू लेकर आ रहे हैं। ठीक है हाँ, क्योंकि इस ईद पे मलकू के 3 गाने आए हैं। ठीक है, एक तो वो ईदा इमरान खान से बेसिकली ईदा का रेलेवेंट था, दिया ने। ईदा जो एक ये ट्रैक जो हम कर रहे हैं, और एक उनका और ट्रैक है वो आया हुआ, तो उस मोस्ट प्रोबेबली उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो अब क्या ख्याल है, ये भी सारा अल्ताफ के साथ है। जो तीसरा ट्रैक है वो उनका है, सोलो ट्रैक है बेसिकली, तो उसको भी देखेंगे। तो क्या ख्याल है जी, करें स्टार्ट शुरू? करते हैं। करते हैं जी शुरू, ये लें फिर। साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी तू साड़ी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है। ऐसे लिते तेनू मैं लुका के रखिया तू साड़ी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है। तू साड़ी मजबूरी गाना भी अच्छा है। बड़ा ही जरूरी ओ ढोला मेरी जान तू मेरी पहचान तू ए रब है गवाह मेरा मेरा ईमान तू की आवाज इस गाने में उस तरह नहीं बैठती जैसे इसकी बैठती है। तू ए रब है गवाह मेरा मेरा ईमान तू साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी तू साड़ी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है। मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है तू साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी रहना है तेरे नाल वे रहना है हर हाल वे क्यों सड़ जमाना तू में जगो नाल वे रहना तेरे नाल वे रहना है हर हाल वे क्यों सड़दा जमाना तू में जगो नाल वे साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी तू साड़ी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है। मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है तू साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी क्यों अखियां च पानी जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है क्यों अखियां च पानी है घुर दी जवानी है ए मुल्क जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है तू साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी है तू साड़ी मजबूरी
बड़ा ही जरूरी है। ऐसे लेते तैनू मैं लुका के रखिया, तू साड़ी मजबूरी बड़ा ही जरूरी, तू साड़ी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है। वाह भाई वाह, गुडवल मलकू। ये गाना जो अभी इनकी रीसेंट जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर लगा है। और इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मुझे फील हुआ कि ये गाना हिट हो जाएगा, काफी अच्छा हिट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर वो पोटेंशियल, वो चीजें हैं। दूसरी जो एक चीज मुझे, जैसे मैं बीच में वीडियो के दौरान भी, जो लोग कहते हैं ना बोला करें वीडियो का तसलसल खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी जो मुझे चीज नजर आई वो ये थी कि जो सारा अल्ताफ की आवाज थी वो बहुत अच्छे से बीच में ब्लेंड हुई थी, यानी कि एम्बेडिंग उसकी बहुत अच्छी आ रही थी। जो मलकू की आवाज थी, एक तो मलकू की जो टोनिंग है वो कुछ इस तरह से है, दूसरा जो उनका स्टाइल है गाने का वो इस तरह से, वो जैसे लाउड होकर गाना होता है, तो वो लाउड होकर जब गा रहे होते हैं ना तो वो चीज इसमें बैठ नहीं रही थी सही। ठीक है, और जो सारा अल्ताफ की आवाज थी वो बिल्कुल जैसे उसकी नेहा कक्कड़ की आवाज आती है, सारा अल्ताफ तो बिल्कुल छा गई है। और यानी कि वही, जैसे हमने पहले भी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी बात की थी कि उनकी ग्रोथ की, कि उनका जो कैरियर के और इस सारे उसमें जो ग्रोथ है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा वाजे होती जा रही है। इस वीडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंटली वो चीज़ नज़र आई है। ठीक है, उनकी लुक्स के अंदर जो चेंज है, ठीक है, उनकी स्टाइलिंग, और अब उनको कैमरा एंगल्स का भी पता चल गया कि मैं किस एंगल के ऊपर कैसी लग रही हूँ। ये मतलब बड़ी अच्छी बात होती है, और ये एक आर्टिस्ट की निशानी होती है बेसिकली, कि वो थोड़े अरसे के बाद जान जाता है, एंगल समझ आ जाए उसका। और अगर तो उनकी यही प्रोग्रेस रही तो मार्क माई वर्ड्स, और आज की डेट भी आप जब ये वीडियो आप देख रहे हैं आप मार्क कर लीजिएगा, या ये वीडियो खैर जब रहेगी यूट्यूब पे जब तक रहेगी तो इसके ऊपर रहेगा जो इसकी डेट का सिग्नेचर है कि ये किस डेट को आई, तो मार्क माई वर्ड्स आज की डेट के अंदर कि अगर ये इसी तरह चलते रहें तो सारा अल्ताफ जो हैं वो बहुत आगे का सफ़र तय करेंगे। जो उनकी ग्रोथ या जो चीज़ है, जिस तरह से उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, वो वॉइस के अंदर भी चेंजेस लाए, वोकल थ्रो जो होती है उसके अंदर भी चेंजेस लाए, उसकी टेक्निक्स के ऊपर काम किया, जितनी उन्होंने ग्रोथ की है, जो विजुअली अपेयरेंस के ऊपर ग्रोथ की है, जो अपनी स्टाइलिंग के ऊपर ग्रोथ की है, अगर इसी तरह चलती रहते हैं कि तो आप विद इन मैक्सिमम 1 or 2 years आप देखेंगे कि वो जो पाकिस्तान के टॉप नॉच आर्टिस्ट्स के नाम है उनमें उनका नाम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो ग्रेड ए प्लस जो कैटेगरी होती है उसके जो आर्टिस्ट हैं उनके अंदर उनका शुमार होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग मेरे ख्याल में, ये और होना भी चाहिए। शी डिजर्व्स इट, जितनी उनकी मेहनत या जो चीज़ नज़र आ रही है, तो चाहे अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत हो लेकिन है तो सही ना, तो शी डिजर्व्स दैट। तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गाना, कुछ मुझे इसके अंदर आया था कि कौन से पता नहीं गाने का, या ये यूँ था कि जैसे सुना होता है, आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई पुराना गाना हो इस तरह का, या कोई चीज़ थी यानी कि जो मुझे इसके अंदर लगा कि ये ना जैसे फेमिलियर, जैसे जो पिछला ट्रैक था उसके ऊपर भी बात की थी कि वो फेमिलियर लग रहा था, तो ये इसके अंदर भी कुछ फेमिलियरिटी आ रही थी कि कौन से गाने से ये अब मुझे नहीं था याद आ रहा। तो ये तो था मेरा एंगल, अब आप अपना एंगल देना चाहें। ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, फेस के एक्सप्रेशन उसके बहुत अच्छे थे सारा के, और हम इस वीडियो में अब यही बात करते हैं सारा ऐसे जो मलकू की आवाज़ है वो भी दिलों पे राज करती हुई आवाज़ है, मलकू को भी लाइट नहीं लेना। और क्योंकि उससे पहले मैं सारा अल्ताफ को नहीं जानती थी, तो मलकू के साथ जब वो आई तो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा और उनकी आवाज़ को सुना तो पता चला इनका नाम सारा अल्ताफ है, और एक पहचान बनी वो इनके साथ आके। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि उनके साथ आकर उनको ज्यादा फेम मिला है, सारा कुछ बिल्कुल। बट द थिंग इज कि एक हम जब देख रहे होते हैं कोई चीज या सुन रहे होते हैं तो जो चीज सामने आ रही है हम तो उसी के, यानी कि एक ट्रैक है उसके अंदर मलकू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो उनके हिसाब से बना हुआ है, और ये जो ट्रैक बना हुआ था, जो इसकी नोटेशन कह लें या जो इसका स्टाइल कह लें जो बना हुआ था, वो स्टाइल ज्यादा बेसिकली सूट कर रहा था सारा अल्ताफ की, वो जो मलकू वाला स्टाइल है उसको सूट उस तरह से नहीं था कर रहा, यानी कि मलकू जो था वो यूं लग रहा था जैसे है वो नोटेशन के उस सारे स्केल के अंदर ही, लेकिन क्या कि वो यूं लग रहा था कि जैसे बाहर से एक चीज आ रही है अंदर, और एक चीज उस जगह के अंदर की है, तो वो सारा अल्ताफ की आवाज उसके अंदर की थी और मलकू की आवाज उसके बाहर से ओवरलैप कर रही थी, उसे इस तरह से आ रही थी। ठीक हो गया जी, तो दोनों के लिए तालियां। बिल्कुल बिल्कुल, तो इजाजत लें अब हम, बिल्कुल इजाजत लें, इसके साथ ही हमें दें इजाजत, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।